हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब पर। मैं हूं आकाश विश्वास और इस बार मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे वीडियो की जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा सॉरी फील हुआ। मारो मुझे। क्या था वो वीडियो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सविनय निवेदन। हमारे वीडियोस को आप लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन उसे तो अभी दबा दें। तो चलिए आते हैं उस वीडियो पर जिसे मैंने देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। एक छोटा सा सवाल, हमें ये पता है कि मैदान में खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति कितनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं, एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्या मैदान के बाहर हम फैंस वैसा नहीं कर सकते? मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच हुआ, जहां अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पे भारी संख्या में लोग पहुंचे। इसी भीड़ में दो ऑस्ट्रेलियन फैंस ऐसे भी थे जिनको हम इंडियन फैंस की तरफ से बदतमीजी का सामना करना पड़ा। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो एक के बाद एक दिखाता हूं कि जिसमें उन दो ऑस्ट्रेलियन फैंस के साथ कुछ इंडियन फैंस ने बुरा बर्ताव किया। पहले वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि कैसे उन दो ऑस्ट्रेलियन फैंस को सारे हमारे इंडियन फैंस ने सैंड पेपर कहकर पहले तो खूब चिढ़ाया और उनकी टांग खींची। वैसे सैंड पेपर वाला कांड तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में एक ऐसा काला धब्बा है जिसके चक्कर में तीन तीन खिलाड़ियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। यहां तक तो टांग खिंचाई करना सही था, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, बात अब और आगे बढ़ चुकी थी और हाथापाई और गाली गलौज तक पहुंच चुकी थी। आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें एक इंडियन फैन और इन दो ऑस्ट्रेलियन फैंस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और कैसे आसपास के लोग बीच बचाव के लिए आते हैं। तो दोस्तों, दोनों वीडियोस तो आपने देख लिए, लेकिन एक्चुअल में स्टेडियम में उस वक्त क्या हुआ था ये भी जानना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम के जिस अकाउंट में ये वीडियो शेयर हुआ था, हमने उस सज्जन से बात करने की कोशिश की। घुमक्कड़ रहमत उनका नाम है, जिन्होंने खुद स्टेडियम में मौजूद होकर इस वीडियो को शूट किया और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किया। तो आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है घुमक्कड़ रहमत, जिन्होंने वो वीडियो शूट किया और अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाला है। रहमत, बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये पूरा मसला, आपने देखा, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, दरअसल उस समय वहां पे हुआ क्या था? उस समय एग्जैक्टली हुआ ये था कि मैदान पे स्टीवन स्मिथ का विकेट गिरा था जी। तो जो ऑस्ट्रेलियन फैन थे वो निराश थे और रिव्यू की मांग कर रहे थे, वो रिव्यू का इशारा कर रहा था। अच्छा। तो जो इंडियन फैन थे वो सेलिब्रेट कर रहा था विकेट का, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का एक विकेट गिरा तो उनका सेलिब्रेट कर रहा था। अच्छा। तो उस समय उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन फैन थे उनपे भड़क गया कि आप हमारे देश में आकर के आप हमारे खिलाफ ही क्यों बोल रहे हो। तो रहमत, जैसा कि हमने देखा फैंस की गहमा गहमी तो थी, लेकिन इंडियन फैंस की तरफ से कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया था उन दो ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए, उस वो क्या था, मतलब जरा बताएं हमें। देखिए, स्टीवन स्मिथ का विकेट गिरा था जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन फैन निराश थे और रिव्यू की मांग कर रहे थे। इसी बीच जो इंडियन फैन थे उनको लगा कि ये हमारे देश में आकर के हमारे खिलाफ ही कुछ बोल रहा है, ये हमारे विकेट को ये मतलब उस तरह से ले रहा है, ये सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, इनको निराश है। तो उनको लगा कि ये थोड़ा हमारा इरिस्पेक्ट है, तो फिर उन गाली गलौज हाथापाई हो गई और गाली गलौज पे आ गई। और अच्छा, हाथापाई भी हुई थी? हाँ जी, हाथापाई भी हो गई थी।
अच्छा हाँ बीच में फिर हाँ वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस से कुछ थे सुरक्षा कर्मी, तो उन लोगों फिर आए, बीच बचाव किया और हमने भी अच्छे से समझाया। और जो ऑस्ट्रेलियन फैन था, हमने उनको बताया कि देखो हमारे यहाँ कल्चर है कि अपने मेहमानों को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का संस्कृति है। तो हमने उनके उनके हमारे जो इंडियन भाई थे उनके बिहाफ पे हमने उनको सॉरी बोला, माफी मांगी उनसे, और फिर उनको समझाया कि प्लीज डोंट माइंड। तो वो फिर मान गए और फिर वो हमको ने उनको अलग दूसरे जगह पे बिठवा दिया जा करके। एक आपका और वीडियो जो मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद भी है, ये जी सैंड पेपर कह के वो दोनों को चिढ़ाया जा रहा था। देखिए, उस जो वो इंसिडेंट था ना, वो उनके बाद का था, जिन पे उनको सैंड पेपर बोला जा रहा था, स्टीवन स्मिथ को लेकर के चिढ़ाया जा रहा था, क्योंकि जो सपोर्टर था वो स्टीवन स्मिथ का कड़ा फैन था। तो अच्छा उनको स्टीवन स्मिथ का जो पुराने इंसिडेंट थे गाबा वाला, उनको लेकर के उनको चिढ़ाया जा रहा था। तो आपकी कुछ बात हुई थी उस फैन से पर्सनली? हाँ जी, उनके फैन से बात हुई थी पर्सनली, और उन्होंने बोला कि देखिए हम इंडिया को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इंडिया के यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैंने उनको अपना उनके बिहेवियर के बिहाफ पे माफी मांगा, और उनसे हमने अपने घर पे भी इनवाइट किया था, लेकिन आए तो नहीं। लेकिन वो बाद में वो बिल्कुल सब कुछ भूल गए और अच्छे से फिर उन्होंने बिहेव भी अच्छा किया, और अगले वो 3 दिन फिर मैच देखने भी आए। तो दोस्तों बात छोटी सी थी कि ऑस्ट्रेलियन फैन रिव्यू चाहता था, जो कि जाहिर सी बात है किसी भी फैन के हक में नहीं था, लेकिन इस बात पे हल्की फुल्की नोकझोंक होनी तो लाजमी थी। लेकिन बात को आगे बढ़ाना, हाथापाई तक ले जाना और गाली गलौज करना बहुत गलत है। एक भारतीय होने के नाते हम भी इस हरकत के लिए उनसे माफी मांगना चाहते हैं। आई एम सॉरी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, उस ऑस्ट्रेलियन फैन के जीवन में दुख कम नहीं थे जो हम लोगों ने और बढ़ा दी। मैच शुरू होने से पहले क्रिकेट नेक्स्ट की टीम ने उस ऑस्ट्रेलियाई फैन से बात की थी और हमें पता चला था कि भैया उसके जीवन में तो और भी कई गम हैं। एक तो बंदा ऑस्ट्रेलिया से आया और मिलता क्या है ना, उसकी टीम अच्छा खेल रही है, ऊपर से तीसरा टेस्ट धर्मशाला से शिफ्ट होकर इंदौर की ओर चली गई है। ऐसे में एक परेशान सा व्यक्ति क्या कहता है, आइए आपको सुनाते हैं। सो सिंस यू आर ट्रैवलिंग हियर फ्रॉम पर्थ, आई एम श्योर दैट यू हैव मेड योर बुकिंग्स इन प्रीटी मच इन एडवांस, बट सडनली यू गेट टू नो दैट द थर्ड टेस्ट विच इज गोइंग टू हैपन इन धर्मशाला हैज बीन आई मीन शिफ्टेड टू सम अदर वेन्यू। How are you, you know, managing all those things? It's extremely disappointing, and I mean, I might have to call my trip short. The reason I come for a test series in India is knowing that they've done this. And won't you wait for the last game to happen? Possibly, but we'll see how things go. I mean, changing the plans like this is just not right. And are you expecting David Warner to go all guns blazing tomorrow? To be honestly, I'm very disappointed in David Warner lately, so let's see. I hope all the best for him and just for the fact that he does well for the Aussie side, but if he doesn't perform in this match, I think his time's finished as a Australian player. Do you think he'll play tomorrow's game? I'm hoping that he won't actually. Yeah, I think he's much better suited to the T20 format, but even in this year's Big Bash, he was very disappointing. He's making so much money to score such low scores. I think it was working out to he was getting paid $5,000 per run for such a low effort. तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में गलतियों की बात करता हूं और इस बार जाहिर तौर पर इस इंडियन फैन की गलती थी जिसने हदें पार की और अपने ऑस्ट्रेलियन फैन के साथ बदतमीजी की। हम उसके लिए तो माफी मांगते ही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस ऑस्ट्रेलियन फैन को ढूंढ कर अपने वीडियो में जरूर शामिल करें। और जहां तक रही गलतियों की बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन पे दोस्तों गाली मत देना, डीएम कर देना, पढ़ के मजा जरूर आएगा। और हाँ, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट।